नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में जिन भी बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन की वजह से कटी है, उस पेंशन को तत्काल ठीक करके बहाल किया जाए। गुरुवार को रोहतक के जिला विकास भवन में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बुजुर्ग महिला को अपनी जेब से 2500 रुपए दिए और अधिकारियों को तत्काल उनकी पेंशन शुरू करने के आदेश दिए। रोहतक दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान बुजुर्गों की पेंशन कटने से जुड़ा मामला सामने आया। एक बुजुर्ग महिला की विधवा पेंशन कट जाने की समस्या मुख्यमंत्री ने सुनी। उन्होंने सर्वप्रथम अधिकारियों से इसका कारण जाना और फिर पेंशन बहाली के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने महिला से बातचीत की और अपनी जेब से 2500 रुपए पेंशन के लिए दिए और मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतक में 160 लोगों की पेंशन कटी थी जिनकी पेंशन दोबारा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश भर के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं, तत्काल प्रभाव से लोगों को पेंशन बहाली दी जाएगी और पिछली पेंशन की अदायगी भी की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी वजह से परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की गई है और आज पीपीपी के माध्यम से सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति के पास पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार के अधीन हवाई अड्डे, हवाई पट्टियों, हेलीपैडों के विकास कार्यों के साथ साथ भारत सरकार के अधीन एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने जैसी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड कंपनी गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा नागरिक उड्डयन विभाग और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना पर कार्य करेंगे। निगम हरियाणा के हिसार और अन्य हवाई क्षेत्रों में एकीकृत विमानन हब की स्थापना और संचालन के उद्देश्य से उपरोक्त निगम की स्थापना के प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकार की हवाई अड्डा परियोजनाओं, संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का प्रबंधन, विनियमन और कार्यान्वयन करना है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ 7 जुलाई 2017 को समझौता ज्ञापन और हस्ताक्षर किए थे और इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के शहर की तरफ के क्षेत्र में समेकित विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण के लिए लगभग 1605 एकड़ भूमि पहले ही चिन्हित की जा चुकी है। समेकित विनिर्माण क्लस्टर परियोजना हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग और भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकाय के रूप में शुरू की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम 2016 और संबंधित नियमों को अधिनियमित किया है ताकि राज्य में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र सृजित किया जा सके जो कारोबार करने को सहूलियत से मेल खाता हो और साथ ही व्यवसाय करने में होने वाली देरी के साथ साथ लागत को कम करने के लिए श्रेष्ठ वैश्विक मानकों से भी बेहतर हो। वहीं बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड को पूर्व भूमि मालिकों को बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने और हरियाणा राज्य में औद्योगिक संपदाओं में बुनियादी सुविधाओं के विकास करने और भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपए की नगद ऋण वर्किंग कैपिटल की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा विनियमन 1973 में संशोधन के लिए एक्स पोस्ट घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई और इस संशोधन के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बजाय HPSC को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। अन्य सभी ग्रुप बी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया HPSC द्वारा आयोजित की जा रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की संस्था या ट्रस्ट द्वारा धार्मिक स्थल और सामाजिक व धर्मान संस्थान बनाने पर प्लॉट की महज 20% राशि देनी होगी। उन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 124वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छूट न केवल ऐसे वर्ग को दी गई है बल्कि अन्य वर्गों को भी छूट दी गई है। इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग ABCA की संस्था द्वारा यदि कोई धार्मिक स्थल और सामाजिक संस्थान बनाया जाता है तो उसे प्लॉट की कुल राशि का 30% ही देना होगा। वहीं पिछड़ा वर्ग भी BCB के अंतर्गत प्लॉट की कुल राशि का 40% देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के लिए यह राशि 50% निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था या ट्रस्ट की कैटेगरी उस ट्रस्ट में शामिल संबंधित जाति के सदस्यों से तय की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वित्तीय उपलब्धियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि HSVP बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। वर्ष 2020-21 में HSVP ने 2000 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की। वहीं 2021-22 में 8000 करोड़ रुपए की राशि को अर्जित किया गया। वहीं HSVP के मुख्य प्रशासक ने बताया कि वर्ष 2022 में प्राधिकरण ने 10000 करोड़ रुपए का लक्ष्य लिया हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ई ऑक्शन पॉलिसी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से चल रही है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पंचकूला और चंडीगढ़ में काम करने वाले कर्मचारियों, पत्रकारों, वकीलों, मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों को कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने की स्कीम के लिए मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने HSVP की बैठक में विवादों का समाधान योजना के अंतर्गत रिहायशी, व्यावसायिक, संस्थागत, सामाजिक व धार्मिक श्रेणी के पुराने बकाया विस्तार शुल्क को एकमुश्त देने के लिए 31/12/2022 तक नई पॉलिसी की घोषणा की। यह बताना उचित होगा कि जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं अपना रेगुलर अलॉटमेंट लेटर प्राप्त नहीं कर पाई उनके लिए ये योजना लागू की गई है। इससे कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं लाभान्वित होंगी। इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HSVP को ऑनलाइन प्रणाली इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से अब SYL के मामले को हल करने की तरफ कवायद तेज हो गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट को अवगत करवाया कि पंजाब सरकार मामले में सहयोग नहीं कर रही है और केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि नए मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो इस मसले पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित कर मतभेद समाप्त करने और समाधान के लिए प्रयास करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि SYL हरियाणा वासियों का हक है और वे इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा के लिए यह पानी अत्यंत आवश्यक है। एक तरफ हमें यह पानी नहीं मिल रहा जबकि दूसरी तरफ दिल्ली हमसे अधिक पानी की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस मामले में एक टाइमलाइन तय होना जरूरी है। CM ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण कार्य को पूरा करना हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच अत्यंत पुराना और गंभीर मसला है। यह नहर न बनने के कारण रावी, सतलुज और ब्यास का अधिशेष बिना चैनल वाला पानी पाकिस्तान में चला जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि SYL मुद्दे को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार पंजाब आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से 6 मई 2022 को एक अर्ध सरकारी पत्र केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को भेजा गया था। इसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दूसरे दौर की बैठक जल्द से जल्द बुलाने का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को भी इस विषय में एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा था जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करने की बात कही गई थी। इससे पहले हरियाणा की ओर से इस बैठक के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को भी 3 अर्ध सरकारी पत्र लिखे गए लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। पहले भी कह चुका हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, उस निर्णय में आगे जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि दोनों प्रांतों के मुख्यमंत्री बैठ करके और कोई ना कोई इसमें फैसला निकाले। हम बार बार प्रयत्न कर चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चाहे उनसे पहले थे चाहे अब है, उन्होंने कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर भी 1 महीने का जो टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने हमारे जो केंद्रीय मंत्री है वो इस पर प्रयत्न करेंगे और इसमें अच्छा है, बातचीत का दौर चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम TV और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।